फिजिक्स लेक्चर जो एमडीयू का पीएचडी का 2021 का फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन में डालने जा रही हूँ। काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एमएससी की हुई है और जो है नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या पीएचडी में इनरोल होना चाह रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन में सोल्यूशन डालने जा रही हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन है, आप भी रिवाइज कर सकते हैं और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम लाइक आप एसटेट का दे सकते हैं, एमएससी बेसिस पे बीएड वगैरह करें उसमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कंसेप्ट आ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वांटम मैकेनिक्स का, एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा, 3H क्रॉस ओमेगा बाय 2, 5H क्रॉस ओमेगा बाय 2, 2H क्रॉस ओमेगा। अब याद रखिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एक ऐसा टॉपिक है जो आपका नेट के एग्जाम में आएगा, जेस्ट के में आता है, बाद में आता है, गेट में आता है। तो इसकी एनर्जी जनरल क्या होती है, इसका वेव फंक्शन क्या होता है, इस पे बेस सारे कंसेप्ट आप जरूर कर लीजिएगा, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट है तो इसी को मैं यहाँ पे सोल्व करने जा रही हूँ। एनर्जी क्या होती है आपकी वन डायमेंशन में एन इन जनरल एन एथ लेवल की एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा वेयर एन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, तो एन की मिनिमम वैल्यू क्या है जीरो। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप केयरफुली पढ़िए। ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 0 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1 है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट व्हिच इज रिक्वायर्ड हियर दैट इज n इज इक्वल टू 2, जस्ट सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, इट बिकम्स e2 इज इक्वल टू 2 प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 5 बाय 2 h क्रॉस ओमेगा, और यही ऑप्शन आपका गिवन है। ये एमडीयू का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है 21 में उसमें आया हुआ है। इसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स का एक और अच्छा क्वेश्चन रखा है मैंने, ये भी अच्छा टॉपिक है आपका। क्वेश्चन आया हुआ है वन डायमेंशनल बॉक्स का, ये आप याद रखिए वन डायमेंशनल बॉक्स भी नेट का एग्जाम है, अभी बार का अपकमिंग है, गेट का है, जेस्ट का है, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, इवन एमएससी के लिए दोगे या पीएचडी के लिए दोगे, उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आएगा क्वांटम मैकेनिक्स का। कई बच्चों की जो मेरे पास कमेंट्स आ रही है कि मैम ऐसा डालिए हम कहाँ से जो है नेट की तैयारी स्टार्ट करें, कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए, सो क्वांटम मैकेनिक्स के मैं ये टॉपिक बता रही हूँ। हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वन डायमेंशनल बॉक्स है, इनको आप अच्छे से कीजिए, यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आएंगे 2 से 3 आपके 100% आने हैं और वो आप इजीली अटेम्प्ट कर देंगे, और काफी प्रॉब्लम्स इन पे बेस्ड मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या वहाँ से आप सोल्ड जो मैंने पेपर डाले हुए हैं वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या था, वन डायमेंशनल बॉक्स था जिसमें वेव फंक्शन गिवन था साई एक्स इज इक्वल टू एन इन टू 3πxyL, 0 से L में लाई कर रहा है x, और अदरवाइज क्या है वेव फंक्शन 0 है x लेस देन 0 के लिए, ग्रेटर देन L के लिए। क्या है ये आपका वन डायमेंशनल बॉक्स है, लेंथ कहाँ से कहाँ है 0 से L। इस रीजन के अंदर तो आपका वेव फंक्शन नॉन जीरो है, और अदरवाइज जब x लेस देन 0 पे आए साई 0 हो गया, ग्रेटर देन L पे भी क्या हो गया साई 0 हो गया। तो यहाँ पे जो नॉन जीरो है इन जनरल आपको याद होगा रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल, यानी जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है दैट रिमेंस कांस्टेंट, कोई भी लेवल होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसमें ऑप्शंस थे रूट 1 बाई एल, रूट 2 बाई एल, रूट 3 बाई एल, नन ऑफ दैट। सीधा सीधा अगर आपके पास टाइम नहीं है आपको क्रॉस चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आप क्या इसमें मार्क कर दोगे रूट 2 बाई एल पे कर दोगे, लेकिन यहाँ पे मैंने सोल्व करके भी दिखाया क्योंकि इस पर कोई कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होना है, कोई भी लेवल चेंज हो जाए। यहाँ पे जनरल n होता है, n 1 से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट 2 3, यानी ये वेव फंक्शन हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट का, तो n इक्वल टू 3 पे क्या होता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसका सॉल्यूशन भी डाला है मैंने, साई एक्स क्या होता है n इंटू साई ऑफ 3 पाई एक्स बाई एल, प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी वो निकालोगे नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट के लिए, वो किस रीजन के अंदर वेव फंक्शन नॉन जीरो है 0 से एल, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी है 0 से एल में 1 रहेगी, मोड साई स्क्वायर इनटू डीएक्स, ये फॉर्मूला है दैट इज फर्दर इक्वल टू 0 टू एल साई क्या है एन इनटू साइन 3 पाई एक्स बाई एल, यानी एन स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 पाई एक्स बाई एल इनटू डीएक्स इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन है। एन स्क्वायर को आप इंटीग्रेशन से बाहर रखिए, साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा बाय 2, यही होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा बाई 2, यानी जो साइन स्क्वायर के साथ थीटा था वो कोस में क्या हो गया ट्वाइस, वही मैं रख रही हूं 1 माइनस कोस ऑफ 6 पाई एक्स बाई एल होल डिवाइडेड बाई 2 dx इज इक्वल टू 1, एन स्क्वायर बाई 2, 2 को बाहर निकालिए, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कोस का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका साइन 6 पाई एक्स बाई एल होल डिवाइडेड बाई इट्स कोफिशिएंट x का 6
6π/L 0 to L इक्वल टू 1। एन स्केयर बाई टू लिमिट रखिए, एक्स की जगह एल रखिए, माइनस एल बाई 6π इंटू एन स्केयर बाई टू, उस साइन के अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, यानी एक्स की जगह एल रखा, एल से एल कैंसिल आउट होके साइन 6π, माइनस एल की जगह जीरो, एक्स की जगह जीरो रखोगे तो साइन जीरो। साइन जीरो पे जीरो होता है और साइन 6π पे जीरो होता है, आपको याद है ना, साइन एन पाई पे क्या होता है, जीरो है आपका 1π पे, 2π पे, 3π पे, यही तो होता है साइन का ग्राफ, अगर आप याद करोगे तो वो होता है। तो यहाँ से ये वाली ब्रैकेट जीरो हो गई, मीन्स क्या बचा, एन स्केयर इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज एन स्केयर इज इक्वल टू 2π L, और यू कैन सी एन इज इक्वल टू √2L। सो आपके पास ऑप्शन क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन। ओके, इसी तरह से मैं जो है सोल्यूशन डालती रहूंगी। थैंक यू फॉर हियरिंग मी, थैंक यू।